हमारा ब्रह्मांड विशाल है, इतना विशाल कि इसकी सीमाओं का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और अजूबों से भरा हुआ है जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। हम तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं देखते हैं जो हमें इस विशालता का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से कहीं ज्यादा रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा ऐसी चीजों से बना है स्वाद ले सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसे एक साथ क्या रखता है? यह है उसके अदृश्य तत्व, मैदा, अंडे इत्यादि, जो मिलकर उसे एक रूप देते हैं। यह अदृश्य तत्व ही केक को उसकी पहचान देते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के छिपे हुए तत्वों की तरह हैं, जो इसे एक साथ पकड़े हुए हैं और इसका विस्तार कर रहे हैं। यह तत्व ब्रह्मांड को उसकी संरचना और विस्तार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम इस विशालता का एक हिस्सा हैं। डार्क मैटर एक ब्रह्मांडीय गोंद की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण मौजूद है। यह अदृश्य होते हुए भी इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह सितारों और आकाश गंगाओं को खींचता है, उन्हें अलग उड़ने से रोकता है। इसके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक डोरी पर एक गेंद को घुमाने की कल्पना करो, जैसे डोरी गेंद को खींचती है वैसे गंगाएं अलग हो जाएंगी क्योंकि उनके पास उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त दृश्य पदार्थ नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिना कील या गोंद के घर बनाने जैसा है, यह बस ढह जाएगा। डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड का ढांचा भी इसी तरह ढह जाएगा। डार्क मैटर हर चीज को अपनी जगह पर रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड के संतुलन और संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर से भी ज्यादा रहस्यमय है। यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड में हर चीज को अलग अलग धकेल रही है। एक गुब्बारे को फुलाकर उस पर बिंदी लगाने की कल्पना करो। जैसे जैसे आप फुलाते हैं, बिंदी दूर होती जाती है। हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के साथ भी यही हो रहा है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है क्योंकि हम दूर की आकाश गंगाओं को हमसे दूर जाते हुए देखते हैं। वे जितनी दूर होती हैं, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि गुरुत्वाकर्षण विस्तार को धीमा कर देगा, इसके बजाय कुछ इसे गति दे रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी में लगे हुए हैं। डार्क मैटर अपने गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ एक साथ खींचने की कोशिश करता है, जबकि डार्क एनर्जी सब कुछ अलग कर देती है। यह दो टीमों के बीच रस्साकशी के खेल की तरह है, एक तरफ खींचती है, दूसरी तरफ खींचती है। ब्रह्मांड का भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि इस ब्रह्मांडीय लड़ाई को कौन सी ताकत जीतती है। यदि डार्क मैटर जीत जाता है तो ब्रह्मांड एक दिन विस्तार करना बंद कर सकता है और अपने आप में ही ढह सकता है। यदि डार्क एनर्जी जीत जाती है तो विस्तार में तेजी आती रहेगी और ब्रह्मांड एक विशाल, ठंडा और खाली जगह बन सकता है।
भाग पांच, वेरा रुबिन, आकाश गंगाओं के अंधेरे पक्ष का अनावरण। वेरा रुबिन एक अग्रणी खगोल शास्त्री थीं, जिन्होंने डार्क मैटर के बारे में अभूतपूर्व खोजें की। उसने सर्पिल आकाश गंगाओं के घूर्णन का अध्ययन किया और कुछ अजीब पाया। आकाश गंगाओं के किनारों पर तारे अकेले दृश्य पदार्थ के आधार पर जितना होना चाहिए था उससे कहीं अधिक तेजी से घूम रहे थे। रुबिन के प्रेक्षणों ने डार्क मैटर के अस्तित्व के लिए मजबूत प्रमाण प्रदान किए। उसने महसूस किया कि कुछ अनदेखे पदार्थ होने चाहिए जो तेजी से घूमने वाले सितारों को अंतरिक्ष में उड़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करते हैं। उनके काम ने आकाश गंगाओं और ईमानदारी से कहें तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। भाग छह, बुलेट क्लस्टर। एक ब्रह्मांडीय टक्कर से डार्क मैटर का पता चलता है। यह टक्कर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। बुलेट क्लस्टर आकाशगंगा समूहों के टकराने का एक शानदार उदाहरण है। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। खगोलविदों ने इस ब्रह्मांडीय टक्कर को देखा और कुछ उल्लेखनीय पाया। उन्होंने देखा कि टकराने वाले समूहों से निकलने वाली गर्म गैस धीमी हो गई। अन्य पदार्थ या स्वयं के साथ गुरुत्वाकर्षण के अलावा अन्योन्य क्रिया नहीं करता है। यह केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही अन्य पदार्थों के साथ संपर्क करता है। आकाश गंगाएं, जो ज्यादातर डार्क मैटर से बनी होती हैं, एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, जबकि गर्म गैस, जो सामान्य पदार्थ से बनी होती है, टकराती है और आपस में मिल जाती है। यह घटना डार्क मैटर के अदृश्य और रहस्यमय स्वभाव को उजागर करती है। भाग सात, फैलता हुआ ब्रह्मांड। हबल की अभूतपूर्व खोज। एडविन हबल एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक की। उन्होंने दूर की आकाश गंगाओं को देखा और पाया कि वे हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने यह भी पता लगाया कि एक आकाश गंगा जितनी दूर होती है उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही होती है। हबल की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने दिखाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है जैसा कि पहले सोचा गया था, बल्कि इसका विस्तार हो रहा है। इस खोज ने बिग बैंग सिद्धांत की नींव रखी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करता है। भाग आठ, रहस्यों का खुलासा। डार्क मैटर, कणों की तलाश। दुनिया भर के वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे इन मायावी पदार्थों की खोज के लिए गहरे भूमिगत और अंतरिक्ष में डिटेक्टर बना रहे हैं। उनका मानना है कि डार्क मैटर छोटे छोटे कणों से बना हो सकता है जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। इन डिटेक्टरों को डार्क मैटर कणों और सामान्य पदार्थ के बीच होने वाली फीकी से फीकी प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। इन कणों को खोजना एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता होगी, जो डार्क मैटर की प्रकृति और ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। भाग 9, डार्क यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन का भविष्य। डार्क यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन का भविष्य उज्जवल है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई जा रही है। ये मिशन ब्रह्मांड में डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बनाएंगे, अभूतपूर्व सटीकता के साथ ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापेंगे और डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में सुराग खोजेंगे। डार्क मैटर
और डार्क एनर्जी का अध्ययन करके हम न केवल ब्रह्मांड के बारे में सीख रहे हैं, बल्कि हम भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में भी सीख रहे हैं। ये खोजें नई तकनीकों और नवाचारों को जन्म दे सकती हैं, जिनकी हम अब भी कल्पना भी नहीं कर सकते। की थीम यह है। भाग 10, ब्रह्मांड खोज का एक अंतहीन मोर्चा। ब्रह्मांड खोज का एक अंतहीन मोर्चा है। हम इसके बारे में जितना अधिक सीखते हैं, हमें उतना ही अधिक एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह एक विशाल रहस्य है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी उन कई रहस्यों में से सिर्फ दो हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इन रहस्यों का पता लगाना एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और चुनौती देती रहेगी। यह एक अंतहीन खोज है। तो बूम, सितारों को देखते रहें और सवाल पूछते रहें। ब्रह्मांड अजूबों से भरा हुआ है जिन्हें खोजा जाना बाकी है, और कौन जानता है, शायद एक दिन आप ही डार्क यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने वाले बनें।